कैसे हो आप सब? होप सब आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले पूरी। आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, मेरा जन्म पंजाब में हुआ है, जलंधर में। मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग जाते थे छोले भटूरे, इतना वहाँ का वो जो बस्तीनों का वो छोले भटूरे का टेस्ट मिस करती हूँ। आज छोले पूरी बनाने जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को आज मैं उनको खिला रही हूँ मेरे हाथों का। लेट्स सी उनको पसंद आता। सबसे पहले छोले को बॉईल करेंगे और उसमें थोड़े मसाले डालेंगे, जैसे चाय पत्ती, इलायची, दालचीनी, नटमेग, लौंग और तेजपत्ता। चाय पत्ती इसलिए डालते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। तो इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डालकर इसको ढक्कन लगाकर हम गैस में चढ़ा देंगे। तो जब तक हमारा छोले बॉयल हो रहा है तब तक हम इधर दूसरा काम करते हैं। अब हम थोड़ा आटा को गूंदेंगे क्योंकि पूरी जो बनाना है तो अभी हमारा पूरी के लिए डो भी रेडी हो गया। तो उसके बाद हम थोड़ा कटिंग करते हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और थोड़ी सी मिर्च। लो, कटिंग भी हो गया। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा और सूखे लाल मिर्च डालकर हम उसमें प्याज डाल देंगे। तो अब प्याज को थोड़ा भूनने के लिए रखेंगे। उसको थोड़ा भूनते जाओ, भूनते जाओ, भूनते जाओ। देखो साइड में छोले भी रेडी हो गए। हम लड़के ही ऐसे कि एक काम नहीं करते, साथ साथ में सभी काम को भी ख़त्म करते हैं। तो हमारा प्याज भी भून गया और अब उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर अगेन उसको भूनेंगे। भूनने के बाद थोड़ा सा हल्दी और फिर टमाटर का पेस्ट हम उसमें डालेंगे। फिर हम टमाटर को थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जब तक उसमें से तेल साइड में ना निकल जाए। और मिस तो छोले भटूरे कर रही थी, पर क्या करूं, इतना अच्छे से आता नहीं है, तो अभी छोले पूरी बना रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं छोले भटूरे जरूर ट्राई करूँगी। तो तेल भी रखा पूरी तलने के लिए। तो ये मसाला मैंने रेडी किया है। इस मसाले में मैंने गरम मसाला, बहरीनी मसाला डाला हुआ है। तो मसाला डालने के बाद इसे थोड़ा और पकाएंगे। तो इधर हम अपना पूरी को रेडी करते हैं। पूरी तो इतनी अच्छे से बनाना नहीं आता, पर मैं अपना ट्राई जरूर करूँगी। मैं आपको एक एक बात बताऊँ, मेरे को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं जब बहरीन में आई, यहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया और यहाँ पे तो अब आपको खुद पकाना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो क्या करें, स्ट्रगलिंग करते करते सीख गई हूँ खाना पकाना। अभी भी इतना कुछ तो आता नहीं है, पर कोशिश करती हूँ बनाने की। तो आप देखें कैसे मैं बनाती हूँ। बातों बात में भूल गई आप लोगों को बताने के लिए। मसाला अच्छे से पकने के बाद हम उसमें अब छोले डाल देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर से आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ी देर बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। और अब हमारा छोले और पूरी रेडी हो गया है। मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर जाती हूँ और आइए उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। कैसा लगा आपको? वो तो खाना खाकर ऑफिस चले गए। अब मैं खाती हूँ, देखती हूँ कैसा हुआ है मैंने जो बनाया। होटल स्टाइल जितना तो अच्छा नहीं बना, पर मेरे लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग ने तो देख लिया ना मेरे हस्बैंड ने क्या कमेंट किया, मेरे को लगा था वैसे ही। थैंक यू।